गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू कर दी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही RGHS के नियम में संशोधन के नाम पर कर्मचारियों के साथ घोटाला किया। अभी हाल ही में वित्त विभाग ने आदेश जारी किए, उसमें लिखा कि जो भी पेशेंट है उसको आउटडोर में 6 बार से अधिक दिन नहीं दिखा सके, 6 बार दिखाओगे। उसके अलावा जो पेशेंट भर्ती है उसको 5 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी, चाहे वो ठीक हो या नहीं, मरो। तो ये व्यवस्था सरकार की बहुत गलत है। इसके अलावा जो जाँच है, जाँच के लिए सरकार ने कह दिया कि 15 दिन में एक जाँच होगी। इसके अलावा आपको जाँच करनी है तो बाहर कराइए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चाहती है कि राशन का पेंशन है, जिन्होंने 60 साल तक अपनी सेवाएं दी और अपनी सेवा काल के अंदर उन्होंने मेडिकल रिलीफ फंड में अपने वेतन से लाखों रुपए जमा कराए, इसलिए कि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रेप सेवनित कर्मचारियों को है जो चिकित्सा सुविधा देने के बजाय उनमें कटौती करी। हम सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करें और रिटायर कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। करण सिंह, अध्यक्ष सेवनित राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.